में त्रुटि करने का प्रयास किया था धांधली करने का प्रयास किया था कर नहीं पाए जैसे ही सरकार को पता चला जैसे वहाँ के प्रशासन को पता चला उन बीसों लोगों को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके लीक करता है चोरी करवाता है तो उसे क्या होगा कि एक करोड़ के जुर्माना लगेगा और दस साल की सज़ा होगी जस्ट यहाँ उल्टा हुआ जिस लड़का ने जिन लड़कों ने जिस युवा पीढ़ी ने विरोध किया बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सड़न से सड़क से अपनी बातों को आवाज़ को उठा रहे हैं कि आप इसके हित में नीति बनाइए झारखंडियों के हित में नीति बनाइए वाला है अगर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और जेपीएससी में धान लिया हुआ तो वहाँ भी लड़िए और जेपीएससी वाला है अगर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं फिर भी अगर आंदोलन हो रहा है गलत हुआ है तो वहाँ साथ दीजिए जोहार नमस्कार मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण इस वक्त हम संगठन विस्तार की जो प्रक्रिया है जे का वो लगातार चल रहा है लोग ये कह रहे थे कि संगठन विस्तार में कहीं ना कहीं थोड़ा कमी नज़र आ रहा था मगर कहीं ना कहीं इस चीज़ को भरने के लिए हमारे डूमरी के स्टार क्रांतिकारी मोतीलाल महतो जी लगे हुए हैं एक तरफ टाइगर जयराम जी जनसभाओं में समय दे रहे हैं वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ जेबी बी के चाने के कहे जाने वाले मोतीलाल जी वो लगातार संगठन विस्तार पर जोर दे रहे हैं दादा देख रहे थे कि लगातार आप एकदम पंचायत पंचायत भ्रमण करके और विस्तार में लगे हुए हैं सबसे पहले जोहार नवनिर्माण के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जमा जमे जोहार आ, लगातार मैं देख पा रहा हूँ आप संगठन विस्तार पर ज़्यादा फोकस किए हैं दादा देखिए कभी भी बदलाव करना क्रांति करना है ना तो हमेशा नीचे रूट में जाना चाहिए ग्रास रूट में जाके अगर आप लोगों को समझाते हैं बुझाते हैं और अंतिम व्यक्ति तक आपकी विचारधारा पहुँचती है तब क्रांति जो होगा ना वो क्रांति नहीं सही मायने में वो एक विद्रोह का रूप लेगा जो वो विद्रोह जो होगा वो विचारों से भी होगा हथियारों से भी होगा दोनों तरह की विद्रोह होगी आप लोग आंदोलन से लगातार उभर कर आए हैं दो सालों से एक कह सकते हैं कि एक मतलब झारखंड के लिए एक उम्मीद बन गए हैं अभी लगातार मैं देख पा रहा हूं पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो काफ़ी असुविधा हो रही है उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है झारखंड के सरकार की नीतियों का गलत नीतियों का सामना करना पड़ रहा है दादा आप लोग उस पर स्टैंड क्या है आप लोग का देखिए शुरू से हम कह रहे हैं कि लड़ाई ही ये लड़ाई ही स्टूडेंट की है ये लड़ाई ही विद्यार्थियों की लड़ाई ही युवा पीढ़ी की है आप स्थानीय नीति की बात कीजिए चाहे नियोजन नीति की बात कीजिए लड़ाई एक्चुअली विद्यार्थियों की ही है आने वाले युवा पीढ़ी के लिए आने वाले भविष्य के लिए ही है जैसे मैं देखिए आज स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण क्या हो रहा है आज जैसे सी का जो एग्ज़ाम है वो आठ सालों में भी अभी तक नहीं हो पाया है 2015 में लास्ट एग्जाम हुआ था लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया था 2015 के बाद आठ सालों में अभी तक जैसे सी जेई का एग्जाम भी आठ सालों से नहीं हो पाया उसके बाद आपका जे आप देख ही रहे हैं कि हर पाँच साल में एक होता है जे जबकि हर साल होना चाहिए आज आपका बिहार है आपके सामने जो सबसे बीमारू राज्य जिसको बोला जाता है आज वो सिक्सटी नाइन यानी उनहत्तरवा जे तक पहुँच सॉरी सो, सो, बी तक पहुँच चुका है और अभी देखे होंगे कि हाल आज ही के दिनों में जब आज हम यहाँ बैठे वहाँ मुख्यमंत्री उसके जो हैं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी वो आज ही वहाँ पर एक लाख बीस हज़ार टीचर की वैकेंसी मतलब नौकरी बांट रहे नियुक्ति दे रहे हैं सरकारी नौकरी ऐसा नहीं कि रोजगार में ला है। सरकारी नौकरी दे रहे हैं और हमारे झारखंड सरकार आज वही झारखंड सरकार बांट रहा है छः सौ अठारह चिकित्सा के और जेस एस जैसे जो संस्था है वो चार सालों में अभी चार साल हेमंत सोरेन के कार्यकाल में मात्र चार वैकेंसी ले पाई है मात्र चार जबकि सबसे बड़ी संस्था है नौकरी देने में सी की नौकरियाँ इनके हाथों में जेस एस सी की बात अगर मैं करूं तो डुमरी की बात मैं पे आता हूं डुमरी में जो हमारे आ, सी हेमंत सोरेन है वो ये कहे थे कि इस पर जो जो गलत करेंगे या फिर जो चोरी करेंगे लीक करने का पर उस पर कार्रवाई की जाएगी एक करोड़ का जुर्माना था दस लाख दस वर्ष का सजा था अभी तो कल ही परसों ही पकड़ाया गया है नगर पालिका में क्या है ये सब देखिए ये एक्चुअली में हिटलर जैसा था ना तानाशाही सरकार वैसा ही तानाशाही है पहले ये नीति बनाता है कैबिनेट में पास हुआ कि अगर कोई पेपर को लीक करता है चोरी करवाता है तो उसे क्या होगा कि एक करोड़ का जुर्माना लगेगा और दस साल की सज़ा होगी जस्ट यहाँ उल्टा हुआ जिस लड़का ने जिन लड़कों ने जिस युवा पीढ़ी ने विरोध किया कि यहाँ चोरी हुआ है पेपर लीक हुआ है सीरियल नंबर नहीं मिल रहा है उल्टा उन सोलह विद्यार्थियों पर केस कर दिया गया वो विद्यार्थी लोग कॉल किए हम लोग को कॉल किए थे कि दादा आप क्या करें लड़ाई लड़ना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं एक तो नीति बनाते हैं यही यही पॉलिसी बनाते हैं उल्टा युवा पीढ़ी पर ही केस कर देती इससे अच्छा तो बिहार है बिहार ने अभी पॉलिसी बनाया है ये अभी जो टीचर का वैकेंसी हुआ एक लाख बीस हज़ार का जो आज नियुक्ति पत्र बट रहा है उसमें बीस लोगों ने इसमें त्रुटि करने का प्रयास किया था धांधली करने का प्रयास किया था कर नहीं पाए जैसे ही सरकार को पता चला जैसे वहाँ के प्रशासन को पता चला उन बीसों लोगों को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके उसे आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया और पाँच साल की सजा तुरंत ठोक दिया गया तो ये राज्य होता है बीमारू राज्य हम उसको कहते हैं लेकिन अब बीमारू राज्य तो हमको नहीं लग रहा है झारखंड से तो बेहतर हो गया है आ, अगर बात करें जेस के तरफ से एक आंदोलन चल रहा है आ, कल ही आपका है क्या आप लोग जेबी कैसे उस पर भाग ले रही है हाँ क्यों नहीं छात्र की जितने भी मुद्दे होंगे हम छात्र की ही लड़ाई लड़ रहे हैं आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये पूरा सारा मुद्दा है चाहे लेब असिस्टेंट की मुद्दा हो चाहे नगर पालिका की मुद्दा हो चाहे जे की मुद्दा हो चाहे जेस की मुद्दा हो ये सारे कहीं ना कहीं स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट के साथ हम हमेशा सा हैं पिछली बार भी मुख्यमंत्री आवास घेरा हुआ था उसमें भी गए थे लाठी डंडा खाए माथा फाड़ा गया केस हुआ उसमें भी हम लोग सहे थे हम लोग लड़े थे साठ चालीस के नियोजन नीति में उसके बाद विधानसभा घेरा हुआ उसमें भी हम लोग गए थे आंसू गैस छोड़ा गया रबर गोली दागा गया हाफ मर्डर का केस ठोक दिया गया तीन लगा दिया गया वो भी देखें वो भी झेले तो साठ चालीस के जो विरोध में जो नाकेबंदी हुआ था आर्थिक नाकेबंदी किया गया था सड़क जाम किया गया था उसमें भी हम लोग उन्हें अपना सहयोग दिया था भागीदारी दिया था हम खुद अरेस्ट हुए थे तो हमेशा से हम लोग युवा पीढ़ी के साथ हैं हम लोग हमेशा से यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ हैं उन सोलह लोगों जो जो वैसे अभ्यर्थी जो सोलह है जिसमें चार शायद महिला भी है तो उन लोगों पर आप उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे देखिए उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है ये सरकार तानाशाही जरूर है लेकिन नियम कानून और संविधान से बढ़कर कोई नहीं है अगर आप गलत नहीं हैं आप गलत का विरोध किए हैं और ये करना चाहती है तो ये आपको बरी होने से कोई नहीं रोक सकता देखिए अगर केस होता है तो केस तो आप अगर विरोध करेंगे आवाज़ उठाएंगे तो ये केस करेंगे क्योंकि अंग्रेज लोग टाइम में भी भारत के लोग जब आवाज़ उठाते थे तो उस पर केस किया रहता था तो आखिरी में क्या हुआ रिजल्ट क्या हुआ भारत आज़ाद हुआ उसी तरह से आपका अगर निश्चित ही आप सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं दो मत नहीं है अच्छा जितने भी आप लोग आंदोलन किए लाठी खाएँ ये सही है विधानसभा घेरा हो मुख्यमंत्री आवास घेरा हो लाठी डंडा के सब कुछ किए हैं पर अभी तक सरकार को आप लोग मना नहीं पा रहे हैं किसी पर आज फिर देखिए जो मामला आया है कहीं ना कहीं अगर आप लोग पहले ही सरकार को घेर लेते हैं या फिर सरकार को आंदोलन से उसको ये किए होते तो आज तो ये मामला नहीं आता दादा देखिए हमारा काम क्या है हम सदन में बैठे नहीं हैं हमारे पास कलम की पावर नहीं है कलम के पास किन के पास है जिनको यहाँ के लोगों ने चुन के भेजा है अब हम क्या कर सकते हैं हम आवाज़ ही उठा सकते हैं जैसे होता है कि जो विपक्ष में बैठता है वो कुछ नहीं कर सकता केवल आवाज़ उठा सकता है आवाज़ ही उठा सकता उसी तरह से हम जनता हैं हम सरकार को जाके क्या बोलते हैं बम बारूद तो मार नहीं सकते हम अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को जता सकते हैं हाँ सौ साल लगे पाँच साल लगे दस साल लगे लेकिन समय में सुधार होगा गांधी जी भी जब आंदोलन किए थे तो हमेशा कहते थे कि आयंसत्वक आंदोलन होना चाहिए आयिंसवक आंदोलन से ही आपको न्याय मिल सकती है तो अब अगर आप उत्तेजित होते हैं और हिंसात्मक आंदोलन करते हैं तो उसको बहाना मिल जाएगा कि ये लोग हैं हिंसात्मक है ये लोग सरकारी चीज़ों को दम अति अतिक्रमण कर रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं इसके कारण उसको मार पीट के फिर उसको जेल में घुसा दिया फिर कौन करेगा इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंसात्मक हिंसात्मक ना होकर अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई को लड़ा जाए और मंजिल तक पहुँचाया जाए हम अगर रोड से मांग कर रहे हैं कि सरकार इसको लागू किया जाए क्योंकि एक कुंवर नारायण ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है तो हम लोग कोशिश करें कि सड़न से सड़क से अपनी बातों को आवाज़ को उठा रहे हैं कि आप इसके हित में नीति बनाइए झारखंडियों के हित में नीति बनाइए कानून बनाइए अगर नहीं करती वैसा सरकार तो हम लोग को अगर दो में अगर सदन में जाना पड़ेगा तो सदन में जाकर कानून बनाएंगे लेकिन कानून बनाएंगे आपसे आप अंतिम सवाल लेना चाहेंगे उन तमाम झारखंड के स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो कल के आंदोलन में भाग लेना जा रहे हैं देखिए आप विद्यार्थी हैं आप अपना हक हाँ अधिकार के जैसे देखें कि अभी वहाँ पर पॉलिसी आया था डोमिसाइल को खारिज कर दिया गया था बिहार में तो सारा स्टूडेंट को किसी के बिना बुलावे पूरा बिहार का स्टूडेंट आके खड़ा हो गया था उसके खिलाफ़ में क्योंकि लड़ाई स्टूडेंट की थी तो ये भी लड़ाई आपके आपकी है आप सोचते हैं जे वाले सोचते हैं कि अरे हम तो एग्जाम ही नहीं दें हम क्यों लड़ने जाए जे वाले जो है लेब स्टेशन के वो सोच रहे हैं कि हम मेरा तो नगर पालिका में दिए ना तो हम क्यों जाएँ तो ये चीज़ें हो कि हम लोग बट के रह जा रहे हैं जे वाला आपका आपका लेब अस्िटेंट साथ नहीं दे रहा है लेब असिस्टेंट वाला जे पी में नहीं साथ दे रहा है तो क्या हो रहा है चीज़ें क्या हो रहा है कि सबके साथ शोषण हो रहा है अगर आप लेब असिस्टेंट वाला हैं अगर एग्जाम नहीं दिए हैं और जे में धान लिया हुआ तो वहाँ भी लड़िए और जे वाला है अगर लेब असिस्टेंट का एग्जाम नहीं दिए हैं फिर भी अगर आंदोलन हो रहा है गलत हुआ है तो वहाँ साथ दीजिए और लड़ाई लड़िए तभी जाके आपके हित में वो जो फैसला होगा आपके हित में आएगा नहीं तो अन्यथा आपको जैसे अंग्रेज क्या करते थे फूट डालो और राज करो उसी तरह से एक एक कर के काटते थे ऐसे सरकार एक एक कर के काट रही है पहले जे में धांधली हुआ फिर लेबर असिस्टेंट में धान लिया हुआ रहा है अब नगर पालिका में धान लिया रहा है तो इस तरह से आने वाली जितनी भी वैकेंसी है जितनी भी नौकरियां हैं सब में इसी तरह से धान ली होगा अगर यहां नहीं सुधार पाए तो इसलिए एक बार आके लड़िए सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जितना भी युवा पीढ़ी देख रहे हैं सुन रहे हैं जान रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है तो आप अपनी स्वेच्छा से जाइए और अपनी लड़ाई को लड़िए क्योंकि आपके अधिकार की लड़ाई है धन्यवाद जोहार जय झारखंड तो ये मोतीलाल महतो जी के विचार आप तक मैं साझा कर रहा था वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और मिलेंगे अगले वीडियो में तो, तो, तो इजाजत दीजिए जय हिंद जय झारखंड